नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल जीडी ट्रेवल्स पर स्वागत है और आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पे, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, कंटेंट बहुत अच्छा पूरा आप चैनल पे देख सकते हैं। लगभग मैंने 462 वीडियोस के आसपास डाले हैं, तो आप पूरा जो आएंगे ना तो आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगे, तरह तरह की जगहों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी खूबसूरत नज़र है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ बैंगलोर की ये जगह जो देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत है ना। मॉर्निंग में मैं गया था यहाँ पर, मॉर्निंग 6:30 और देखिए इतना खूबसूरत है रास्ता ना कि बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। हम लोग बैंगलोर के आसपास सोचते रहते हैं कहाँ जाया जाए, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में, बट जितनी भी जगह है सब पूरी फुल हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल नंदेल, इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं ना मॉर्निंग में, आप देखेंगे तो इतना भीड़ हो जाएगी, पूरा जाम लग जाएगा, फंस जाएंगे वहाँ पर। तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जो बहुत नज़दीक हो बैंगलोर से और जहाँ पर हम जाके इन्जॉय कर सकें, आप नेचर को भी देख सकें, कुछ हम भगवान के दर्शन कर पाएँ टेम्पल्स में, ये सब हो सके, तो काफ़ी कुछ हम ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह ये टीके फॉल्स, ये टीके फॉल्स क्या मतलब, टीके फॉल्स जब आप पहुंचने वाले होते हैं उसके जस्ट पहले ये पूरी लेक पड़ती है और बीच में ये पूरा मंदिर पड़ता है। दोस्तों ये कनकपुर रोड पर सिचुएटेड है एक्चुअली, और अगर आप अंदर से अंदर सिटी से आ रहे हैं ना बनागटा रोड से, तो उधर से आते वक्त जब आप बनागटा नेशनल पार्क के पहले से ही राइट टर्न जाता है तो उधर अंदर होते हुए आप आएंगे ना तो ये आपको मिलेगी ये जगह, ये लेक वाला जो व्यू है ये आपको मिलेगा, और वही रास्ता फिर टीके फॉल्स रहता है। टीके फॉल्स में तो अभी अलाउ नहीं है, काफ़ी बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग फॉल्स में काफ़ी इंसिडेंट हुए इधर इस बीच, तो उसको क्लोज कर दिया गवर्नमेंट ने अभी के लिए। आप नहा नहीं सकते, ऑफिशियली नहीं नहा सकते, ऐसे जाके नहा सकते हैं बट वो अलाउ नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितना मस्त जगह है, 20 किलोमीटर बैंगलोर से, कभी भी आइए आराम से, सुबह रास्ते में नाश्ता वास्ता करिए, आपको दुकानें मिलेंगी, बीच में भगवान के दर्शन करिए, मंदिर मिलेगा, और उसके बाद जो है पूरा नेचर को आप एंजॉय कर सकते हैं। शिव जी का मंदिर रास्ते में देख रखा है आप ये वीडियो में, तो बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। टीके फॉल्स डालिए अपने गूगल में, और जब आप पहुंचने वाले होंगे फॉल्स में ना, उसके थोड़ा ही पहले, लगभग आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर के पहले ये पूरा आपको एरिया दिखेगा जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और सबसे खास यूएसपी इसका कि मॉर्निंग में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पे एक लेक है, तो लेक इतनी खूबसूरत है ना दोस्तों, वहाँ पर पूरा आपको मतलब लगेगा कि बिल्कुल बैठे रहें वहाँ पर, शांति महसूस होगी और आपको बिल्कुल उसमें जो है बगुले जो है तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे, मछलियाँ दिखाई पड़ेंगी लेक में, तो बहुत खूबसूरत है वो नज़ारा जो है, मेस्मराइजिंग है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आप पूरे एक दिन में एक पूरा ट्रिप प्लान करते हैं, मॉर्निंग में निकलिए और सबसे पहले टेम्पल में ही दर्शन करिए, फिर आप जो है लेक के पास बैठिए आराम से आके, सनराइज या सनसेट टाइम भी जा सकते हैं, शाम के टाइम पे बट मॉर्निंग में भी जा सकते हैं दोनों टाइम में, और फिर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, तो पूरा एंजॉय करिए, टीके फॉल्स बनाइए और फिर वापस आ जाइए। तो थैंक यू दोस्तों, इस जगह पर जरूर आइए, बैंगलोर से 20 किलोमीटर है, टीके फॉल्स डालेंगे गूगल में तो वो उसी रास्ते में ही पड़ेगा, और सब्सक्राइब करना पूरी दोस्तों, बहुत सही जगहों पर आपको और भी घुमाऊंगा मैं।